अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे गुलगुले। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये हम सिर्फ मैदे के नहीं, हम इसके साथ आटा भी मिलाएंगे। ये हमने एक कप शक्कर लिया है, आधा कप हमने मैदा लिया है, आधा कप हमने आटा लिया है। ये हमने एक चम्मच हमने रवा लिया है, आधा चम्मच, एक चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है। ये हमने चुटकी भर सोडा लिया है, एक अंडा लिया है। ये हमने फूड कलर लिया है। ये हमने एसेंस लिया है, पाइनएप्पल एसेंस। ये हमारा एसेंस कलर वाला है, इसलिए हम अलग से कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका एसेंस कलर वाला नहीं है तो आप कलर यूज़ करिए, आप बिगर कलर की भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने एक कप, आधा कप हमने आटा, आधा कप हमने मैदा, ये हमने रवा ले लिया है, ये हमने सफ़ेद तिल ले लिया है। ये हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये चुटकी भर है बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें एसेंस डालेंगे, ये हमने पाइनएप्पल एसेंस रखा लिया है। ये आप 2 से 3 चम्मच ले लें। ये हम अभी 1 कप शक्कर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एक साथ अच्छे से मिल जाए, बेकिंग पाउडर वगैरह। अब हम इसमें अंडे और पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक अंडा ले लिया है, इसे हम भी अच्छे से इसी में मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के इसे एक अच्छा सा गाढ़ा डो बना लेंगे। ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, हम इतना गाढ़ा रखेंगे कि हम हाथों से उठा के बैटर तेल में डाल सकें। गाढ़ा बैटर बनाना है। ये देखिए, हमने 1 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे रवे हैं वो इसमें फूल जाएंगे तो थोड़े और थिक हो जाएंगे। ये देखिए, हम तेल में गुलगुले को डाल रहे हैं। ये मीठी भजिया कहा जाता है इसे, इसे कुछ लोग गुलगुले भी कहते हैं। ये देखिए, मीठी पकौड़ी भी कहते हैं। ये देखिए, हम सारी पकौड़ी को इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और फिर इसे दोनों साइड से घुमाते हुए तल लेंगे। बेकिंग पाउडर होने की वजह से ये काफ़ी फ्लफी बनता है। इसे थोड़ा अच्छे से आप फेंट दें और थोड़ी देर आप इसे रख दें तो ये काफ़ी अच्छे से फूके फूके से होते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर अपना अच्छे से काम कर लिया होता है तो हमारी जो गुलगुले हैं वो आराम से फूक जाते हैं। ये देखिए, इस कलर के हो जाएं तो आप उसे निकाल लें। आप एकदम फास्ट तेल गैस ना रखें, तेल ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम ही तेल पे आपको इसे बनाना है। नहीं तो हमारे गुलगुले देखिए तैयार हो गए हैं और ये अंदर का देखिए एकदम अच्छे से इसका रेशेदार हुआ है, अच्छे से ये फूक गए हैं। इसी तरीके से आप बनाएं और हमें बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।